जहां लोग सिगरेट पीकर उसके बर्ड्स को फेंक देते थे, वहीं आज इन सिगरेट बटों को टेडी बियर स्टफिंग में बदला जा रहा है। हर साल लोग 4.5 ट्रिलियन सिगरेट पीकर उसके सिरों को हवा में उछाल देते हैं। वे लोग अक्सर सोचते हैं कि यह फिल्टर सिर्फ एक बायोडिग्रेडेबल कपास है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वे वास्तव में फॉर्मेल्डिहाइड, निकोटीन और अन्य लाखों टन रसायनों से भरे प्लास्टिक का एक छोटा सा हिस्सा होता है। अब एक कंपनी ने इस्तेमाल किए हुए बटों को शानदार तरीके से खिलौने में भरने का तरीका निकाला है। इन बटों से सिर्फ खिलौने ही नहीं बल्कि तकिया और मच्छर भगाने का रिपेलेंट भी बनता है। यह मॉडल पृथ्वी पर सबसे अधिक कूड़ा करकट वाली वस्तु का समाधान कर सकता है और यहाँ तक कि यह सड़कों और जलमार्गों में न जाने से सुरक्षित भी रह सकेगा। यह बिजनेस उत्तर भारत के नोएडा नामक शहर में किया जा रहा है। यहाँ के कर्मचारी हर महीने मेटल डिटेक्टर से करीब 70 लाख सिगरेट बर्ड्स की स्क्रीनिंग करते हैं। यह कर्मचारी सुपर स्कैनर का उपयोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि सामग्री में कोई धातु की वस्तु है या कुछ भी जो अवैध है या जो उनकी टीम के सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। सैकड़ों लोगों का एक नेटवर्क नोएडा की सड़कों पर बट इकट्ठा करता है। कोड एफर्ट्स नामक कंपनी उन्हें लगभग 300 रुपए प्रति किलो का भुगतान करती है, यह सिर्फ $4 से थोड़ा अधिक है। कोड एफर्ट्स कचरे को ठेकेदारों के घरों तक पहुंचाता है, जहां वे फिल्टर पेपर और तंबाकू को अलग करते हैं। वे कंपोस्ट बनाने के लिए तंबाकू को पास के खेतों को सौंप देते हैं और कागज को इंडस्ट्रियल ग्राइंडर में डंप कर दिया जाता है और एक ऑर्गेनिक बाइंडर के मशीन के साथ उसको ट्रीट किया जाता है। उन मशीनों के जरिए सीट में बदल दिया जाता है। उन सीटों को धूप में सुखा दी जाती है और फिर उसे काट कर पैक करके ऑनलाइन या स्थानीय दुकानों में बेची जाती है। कागज और बचा हुआ निकोटीन जलाने पर मच्छर भगाने के काम आता है। मच्छर भगाने के लिए एक ब्रांड है जिसका नाम है एनमॉस, जिसका फुल फॉर्म है नो मॉस्किटो। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको बस इसे एक सिरे से जलाना होता है। इस कंपनी ने बहुत से सुगंधित प्रोडक्ट बनाए हैं। फिल्टर के लिए प्लास्टिक फाइबर को ग्राइंडर में डाले जाते हैं, फिर उन्हें 24 घंटे के लिए स्टरलाइजिंग रसायनों में भिगोया जाता है जो उन्हें कॉटन की तरह छोड़ देता है। रासायनिक मिश्रण में क्या होता है यह कंपनी का एक रहस्य है, लेकिन इसे रिसाइकलिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। बर्ड्स को पूरी तरह से सुरक्षित प्रमाणित किया जाता है कि यह पूरी तरह से सेफ है और यह अंतिम चरण है जहां कपास को फुलाया जाता है और निर्धारित रूप से कार्ड में परिवर्तित किया जाता है और यह सुनिश्चित करने में भी सहायक होता है कि खिलौने, तकिए और कैचेन जैसे फाइनल प्रोडक्ट बहुत नरम और आरामदायक हो। और फिर इन सभी उत्पादों को विभिन्न माध्यमों जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेचा जाता है। नमन के कोफाउंडर और उनके भाई ने इस कंपनी को 2018 में स्थापित किया, जब उन्होंने देखा अपने दोस्तों के घर के बाहर बहुत सारे सिगरेट पीकर फेंके गए थे। इस कंपनी के फाउंडर का कहना है, मुझे सिगरेट या धूम्रपान करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वे अपने सिगरेट के कचरे को सही ढंग से निपटाने में असमर्थ हैं, तो यह मेरे लिए थोड़ी चिंता का विषय है। कोड एफर्ट में कोड हमारे घटते पर्यावरण के संरक्षण के लिए है। सिगरेट के बर्ड्स पौधे की वृद्धि को रोकने और समुद्री जीवों को नष्ट करते हैं, ऐसा साइंटिफिक प्रूफ है। वे निकोटीन और हैवी मेटल्स मिट्टी और पानी में मिल जाते हैं और फिर माइक्रोप्लास्टिक को सड़ने में लगभग एक दशक का समय लगा देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पहले से ही दुनिया भर में एक बड़ी समस्या है, लेकिन जब सिगरेट पहली बार 1900 की शुरुआत में लोकप्रिय हुआ तो उसमें फिल्टर भी नहीं थे। 1950 में वायसराय प्लास्टिक फाइबर से बने फिल्टर की सुविधा देने वाला पहला ब्रांड बना। यहाँ वायसराय ने नोटिस किया कि कैसे वह गहरी बुनाई फिल्टर स्वाद को स्मूथ करता है। 1957 में एक सर्जन जनरल ने सिगरेट को फेफड़ों के कैंसर से जोड़ने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उसके बाद सभी सिगरेट कंपनियों ने प्लास्टिक फिल्टर जोड़ने के लिए दौड़ लगाई। आज सभी सिगरेटों में से 98% में वे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जबकि फिल्टर कुछ ही टॉक्सिक पदार्थों को रोकते हैं, वे ज्यादातर सिर्फ सांस लेना आसान बनाते हैं। अब तक कोड एफर्ट्स 300 मिलियन बर्ड्स का रिसाइकल कर चुकी है, लेकिन यह सिगरेट का एक छोटा प्रतिशत है उसके कंपेयर में जो हर साल कूड़ा में जाता है। लेकिन यह एक शुरुआत है जो दुनिया भर के संगठन इसके समाधान पर काम कर रहे हैं। कुछ ने तो बर्ड्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। जनवरी में न्यूयॉर्क के सांसदों ने एक बिल पेश किया जो 2023 तक सिंगल यूज फिल्टर वाली सिगरेट की बिक्री को समाप्त कर देगा। उसी वर्ष सैन फ्रांसिस्को ने 2010 में शुरू होने वाले सफाई प्रयासों को फंड देने के लिए सिगरेट पर हमले किए। सैन डिएगो में ग्रीन बर्ड्स नामक एक कंपनी ने एक फिल्टर विकसित किया जो कुछ दिनों में डिकम्पोज हो जाता है। डच इंजीनियरों की एक जोड़ी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करके एक AI पावर्ड रोबोट बनाया जो समुद्री तटों पर जाकर बर्ड्स की पहचान कर सकता है और उन्हें कलेक्ट कर सकता है।
बीच बोट या बेबी शॉट के लिए सिगरेट के बर्ड्स को रेत से निकाल सकते हैं और उन्हें एक सुनिश्चित बिन में फेंक सकते हैं। फ्रांस में सिगरेट के कूड़े को साफ करने का जोर पकड़ रहा है। सरकार ने जुलाई में घोषणा की कि वह सिगरेट मैन्युफैक्चरर से एक सफाई प्रयास के लिए सालाना लगभग 80 मिलियन यूरो चार्ज करेगी। पेरिस में एक थीम पार्क से कुछ घंटों के लिए काम करने के लिए आधा दर्जन कौवे को प्रशिक्षित किया जा रहा है। साफ सफाई अब पढ़ाई का एक हिस्सा है। नमन कहते हैं कि वह आगे भी इसी तरह से चलते रहेंगे। मुझे समाज की समस्या को हल करने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने की भूख है। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि नमन की यह बातें आप तक पहुँच गई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।